हेलो दोस्तों, आज हम लोग नल एवं टंकी का पार्ट टू देखेंगे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक हौज में तली में एक छिद्र है, यानी एक हौज की तली में एक छिद्र है। यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, किंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। देखिए पहले इसको बेसिक से समझ लीजिए, फिर बता देंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे कह रहा है, मान लीजिए एक हौज है ये, ठीक है, इसके तली में एक छिद्र है। इसके तली में क्या है? एक छिद्र है, यानी एक हौज है, इसके तली में एक छिद्र है। कह रहा है यदि हौज में छिद्र नहीं होता, यानी अगर छिद्र नहीं रहता, ये छिद्र नहीं रहता तो हौज 9 घंटे में भर जाता। यानी एक इसको भरने वाला जो नल रहेगा ये कितना घंटा में भरेगा? 9 घंटा में। 9 घंटा भरेगा तो क्या होगा? प्लस, यानी अगर ये छिद्र नहीं होता तो इस नल के द्वारा इसे भरने में 9 घंटा लगता। लेकिन अब करा है, किंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगेगा। और अगर यह छिद्र रह जाए, अगर यह छिद्र रह जाए तो यही चीज को भरने में अब 9 घंटा के बजाय कितना लगेगा? 1 घंटा ज्यादा, यानी कितना? 10 घंटा लगेगा। यानी पहले 9 घंटा, अब कितना? 10 घंटा, ठीक है। तो कह रहा है यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र कितने समय में खाली कर, यानी ये छिद्र देखिए ये भर रहा था, ये भरने वाला नल था, तो भर रहा था पहले 9 घंटा में जब छिद्र नहीं था। जब छिद्र हो गया तो कितना घंटा भरेगा? 10 घंटा में। यानी छिद्र के कारण 1 घंटा बढ़ गया, यानी किसके कारण? छिद्र कारण। तो जो इसमें डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को काम करने में लगा समय लगाइएगा ए गुना बी बटा ए माइनस बी। जब भी काम करने में जो डिस्टर्ब करेगा उसी को काम करने में लगा समय कितना? तो ए गुना बी बटा ए माइनस बी लगाना है। जैसे काम कौन कर रहा था? तो एगो नल तो जो था वो काम कर रहा था, कितना घंटा में टंकी भरा था? 9 घंटा में। लेकिन छिद्र कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, यानी पानी निकलने लगा, तो अब इसको कितना देर में भरेगा? 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी 10 घंटा में लगेगा। तो यही छिद्र पूरा टंकी को जब भरा रह जाए तो कितना देर में खाली करेगा? तो यानी इस छिद्र को काम करने में लगा समय क्या हुआ? ए गुना बी बटा ए माइनस बी, यानी ए का मान कितना? 9, और बी का मान कितना? 10, और 9 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा? 1। यहां पर माइनस पर नहीं, अंतर लिखना, ठीक है, यहां पर घटा करके, तो कितना हो जाएगा? 9 में से 10 जाएगा 1, यानी कितना जाएगा? 90 घंटा, 90 घंटे। 90 घंटा में ये छिद्र क्या होगा? पूरा टंकी को भरा रहेगा तो खाली कर देगा। ऑप्शन कौन जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ जाइए क्वेश्चन को कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछते रहता है ये, कि अगर एक हौज है, ठीक है, एक हौज है, अगर छिद्र नहीं होता तो टंकी 9 घंटा में भरता, अगर छिद्र हो जाए तो यही टंकी को भरने में 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी कितना? 10 घंटा लगेगा। तो यह छिद्र कितना देर में खाली करेगा टंकी को? तो टंकी को कौन डिस्टर्ब कर रहा है भरने में? तो यह छिद्र, तो यही छिद्र को काम करने में लगा समय ए गुना बी बटा ए माइनस बी, यानी दोनों का अंतर नीचे में। तो 9 गुने 10, और 9 में से 10 घटेगा 1, यानी कितना आएगा? 90 घंटा। ऑप्शन आएगा बी नंबर, 90 घंटा में छिद्र पूरा टंकी को खाली कर देगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में है, एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। देखिए ये मान लीजिए वो टंकी है, ये टंकी जो है एक नल के द्वारा कितना घंटा में भर जाएगा? अगर इसमें पानी गिर रहा है तो कितना घंटा में भरेगा? 2 घंटा में। कितना घंटा? 2 घंटा। टंकी में चूंकि कहीं रिसाव हो रहा था इसलिए टंकी 2.5 घंटे में भरी। यानी अगर टंकी में रिसाव कहीं नहीं होता, ठीक है, ये पूरा पूरा टंकी अगर बढ़िया होता इसको 2 घंटा में भर होता एक नल, लेकिन कहीं पर रिसाव हो रहा है, यानी कहीं पर लीकेज हो रहा होगा, मान लीजिए यहां पर से लीकेज हो रहा होगा, तो अब यही टंकी को भरने में इसी नल द्वारा कितना लगेगा? 2.5 घंटा लगेगा। कितना घंटा? 2.5 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। देखिए इसमें डिस्टर्ब कौन किया है? तो यह छिद्र डिस्टर्ब किया है। क्या कह रहा है? यह छिद्र डिस्टर्ब कर दिया, यानी पहले 2 घंटा में भरा था लेकिन यह छिद्र से पानी निकलने लगा तो कितना घंटा लगा? 2.5 घंटा लगा। किसके कारण? यह छिद्र के कारण। तो यही पूछेगा कि यह छिद्र टंकी को कितना देर में खाली कर देगा। ये कह रहा है उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह खाली हो सकती है, तो यह टंकी, यह छिद्र टंकी को कितना देर में खाली कर देगा? तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है इसमें? तो छिद्र है, तो छिद्र को काम करने में लगा समय क्या लगाइएगा? ए गुना बी
बट्टा ए माइनस बी लगाइए दो गुना अढ़ाई और दो में से अढ़ाई घटेगा तो कितना जाएगा 0.5 देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा ये 25 हो जाएगा पंद्रह 10 यानी कितना घंटा लग जाएगा 10 घंटा कितना घंटा 10 घंटा यही आंसर होगा 10 घंटा में छिद्र क्या करेगा पूरा टंकी को भरा हुआ को खाली कर देगा ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर ऑप्शन ए। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में है एक हौज में दो नल लगे हैं जो क्रमशः 30 घंटे और 40 घंटा में भर सकते हैं। देखिए ये दो नल है जो पूरा टंकी को अकेले अकेले अगर भरता है तो पहला नल 30 घंटा में भर देगा टंकी को यानी भरेगा तो प्लस और दूसरा नल जो है वो अकेले इस टंकी को कितना देर भर देगा 20 घंटा में यानी पहला नल का है समय 30 घंटा और दूसरा नल का है समय 20 घंटा करा तीसरा नल उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकलता है यानी थर्ड नल जो होगा तीसरा नल वो एक मिनट में टंकी से 45 लीटर पानी बाहर निकालेगा यानी तीसरा नल जो है वो पानी निकालने वाला है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा हौज 15 घंटे में भर जाएगा यानी पहला दूसरा तीसरा को तीनों खोल दिया जाए तो 15 घंटे में टंकी भर जाएगा। याद कीजिए कि उस हौज को हौज यहां होगा क्या हो जाएगा हौज हौज को भरने में कितना समय आता पानी आता है यानी कितना लीटर पानी आएगा यानी हौज को भरने में कितना पानी लीटर आएगा यानी पूछा है हौज का क्षमता क्या है यानी आयतन क्या है। देखिए पहले लगाइए पहला नल जो है पूरा टंकी को 30 घंटा में भरेगा तो एक घंटा में कितना भाग भरेगा 1/30 भाग तो ये भरेगा तो ये प्लस में। दूसरा नल जो है टंकी को अकेले 20 घंटा में भर सकता है तो एक घंटा में कितना भाग भरेगा 1/20 भाग भरेगा भरेगा तो प्लस में। और एक तीसरा नल है तो एक तीसरा नल जो होगा वो खाली करेगा तो पूरा टंकी को कितना देर में खाली करेगा नहीं पता है तो मान लीजिए पूरा टंकी को कितना देर में खाली करेगा एक्स घंटा में कौन थर्ड नल पूरा टंकी को कितना देर में खाली करेगा तो एक्स घंटा में खाली करेगा तो मान लीजिए एक घंटा में कितना भाग खाली करेगा बन गया एक्स भाग और तीनों मिलकर जब काम किया तो 15 घंटा में टंकी भर गया यानी बराबर में क्या तीनों मिलकर के कितना देर में 15 घंटा में तो एक घंटा में तीनों मिलकर कितना भरा हुआ 1/15 भाग के बराबर यानी एक घंटा में पहला नल 1/30 भाग एक घंटा में दूसरा नल 1/20 भाग और तीसरा नल एक घंटा में कितना भाग निकाला पानी 1/x भाग तीनों मिलकर एक घंटा चला तो कितना काम हो गया 1/15 भाग। तो यहां से निकालिए तो एलसीएम ले लीजिए देखिए 15 नीचे जाएगा ये नहीं आ जाएगा 1/15 जो है बराबर किधर जाएगा तो प्लस में ये 1/x जाएगा उधर तो प्लस में यानी लिखेंगे 1/x बराबर एलसीएम 30 20 15 का कितना हो जाएगा 60 तो 30 गुणी 60 20 23 60 आ जाएगा उधर में तो माइनस 15 चौक 60 यानी 5 में से 4 जाएगा 1 1/60 x बराबर कितना आ गया 60 आवर यानी x क्या माने थे तो तीसरा नल को पूरा टंकी खाली करने में लगा समय यानी कितना 60 घंटा में यानी तीसरा नल पूरा टंकी कितना देर में खाली करेगा 60 घंटा में खाली करेगा ये खाली करेगा। बताइए तीसरा नल जो है एक मिनट में 45 लीटर पानी निकालेगा और 60 घंटा में टंकी खाली कर देगा तो 60 घंटा में कितना पानी निकालेगा तो जितना पानी भरा हुआ होगा उतना ही पानी निकालेगा। तो यहां लिखेंगे टंकी का क्षमता टंकी की क्षमता कितना जाएगा तो एक मिनट में 45 लीटर 60 मिनट में कितना लीटर यानी 60 मिनट में 60 घंटा ये 60 घंटा को मिनट में चेंज कीजिए तो 60 से गुना तो ये क्या जाएगा मिनट 60 गुना 60 कितना जाएगा 3600 मिनट। तो देखिए गुना कर लीजिएगा तो यहां से आ जाएगा 162,000 लीटर यानी पानी कितना निकालेगा 162,000 लीटर बताइए 162,000 लीटर पानी निकालेगा उसमें पानी होगा कितना तो 162,000 लीटर ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर। तो निकल गया टंकी की क्षमता कितना आ गया 162,000। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन करा यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है यानी एक टंकी जो है वो 3/16 भाग को भरने में कितना मिनट 15 मिनट लगाइए फिनिश बराबर इक्वल यानी 3/16 भाग को भरने में कितना मिनट 15 मिनट लगता है
तो भाई पूरा भाग को भरने में कितना लग जाएगा, पूरा भाग मतलब वन, एक भाग को, एक भाग का दर्शाएगा टोटल काम, यहाँ लगाइएगा तीन बच्चे, तीन पच्चे पंद्रह, सोलह पच्चे अस्सी मिनट, यानी पूरा टंकी को कितना देर में भर सकता है, तो अस्सी मिनट में भर सकता है। शेष टंकी कितने समय भरेगी, भाई तीन बटा सोलह भाग भरा हुआ होगा तो शेष कितना बचेगा, ठीक है, तीन बटा सोलह भाग का शेष कितना बच जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ से तेरह बटा सोलह, सोलह में से तीन जाएगा तेरह, अब बट्टा में जहाँ कटेंगे तो सोलह तेरह बटा सोलह भाग को भरने में कितना समय, तो जितना काम कराना है उसमें डेढ़ से गुना कर लीजिए, तो पूरा काम करने में लगा समय कितना अस्सी, तो अस्सी से गुना आ जाएगा सोलह पचे अस्सी, तेरह पचे पैंसठ मिनट, कितना लगेगा पैंसठ मिनट लगेगा, यानी तेरह बटा सोलह भाग को काम करने में कितना समय लगेगा पैंसठ मिनट, ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, देखिए पांचवा नंबर में है एक टंकी को नली ए द्वारा दो घंटे में भरा जा सकता है, यानी ए जो है दो घंटे में टंकी क्या होगा भरेगा, अकेले दो घंटे में भरेगा, और नली बी द्वारा छह घंटों में, यानी बी भी भरेगा, और बी भरेगा तो कितना घंटा में, छह घंटा में भरेगा, तो ये भी प्लस। प्रातः दस बजे नली ए को खोल दिया जाता है, देखिए नली ए को, यहाँ ए होगा, नली ए को खोल दिया जाता है, ठीक है, दस बजे नली ए को खोल दिया गया, तदनुसार यदि नली बी को भी ग्यारह बजे प्रातः खोल दिया जाए तो टंकी किस समय तक भर जाएगी। तो एक क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए ये पूरा टंकी है, ये क्या पूरा टंकी है, हम 10 बजे से चालू कर रहे हैं, कितना बजे 10 बजे सुबह से 10 बजे, और 10 बजे किसको चालू किए हैं ए को, ठीक है 10 बजे ए को, यहाँ 11 बजा होगा, 11 बज गया होगा, तो अब बी को भी चालू कर दिए, तो बी को चालू किए इसका मतलब ए को नहीं बंद किए हैं, यानी आगे ए भी काम कर रहा होगा, ए भी, ठीक है, और लास्ट होते काम खत्म हो गया होगा, तो भाई 10 से 11 बजने में कितना घंटा लगा होगा, तो एक घंटा, तो एक घंटा चल लिया होगा ए, तब कौन खुला बी, अब आगे कौन कर रहा है, तो ए और बी दोनों कर रहा है, ये कितना देर तक काम किया होगा, 11 बजे से कितना देर तक काम किया होगा, काम खत्म हो गया होगा, तो मान लीजिए एक्स घंटा, कितना एक्स घंटा, यानी यहां कह सकते हैं कि ए एक घंटा कर लिया 10 और 11 के बीच में, और आगे भी काम किया एक्स घंटा, यानी कितना घंटा एक्स प्लस वन घंटा, एक्स प्लस वन घंटा में ए कितना भाग काम कर लेगा, तो एक्स प्लस वन मतलब टू भाग कर लेगा, और बी 11 बजे खुला है और लास्ट तक चला, यानी एक्स घंटा तक चला है, एक्स घंटा में कितना भाग, एक्स बटा छह भाग, दोनों भर रहा था प्लस में, और टंकी क्या हो गया पूरा भर गया, यानी बराबर कितना वन, पूरा काम हो गया यानी वन। अब यहां से एलसीएम लीजिए, तो यहां से कीजिएगा तो इसका माना जाएगा एक्स बराबर तीन बटा चार, ये तीन बटा चार आएगा, तो तीन बटा चार क्या आएगा आवर में, इसको मिनट में चेंज किया तो कितना आएगा तीन बटा चार, तो साठ से गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा मिनट में, आ जाएगा पन्ना चौको साठ, इन पन्ना किया पैंतालीस मिनट, पैंतालीस मिनट, तो कह रहा है कि किस समय तक टंकी पूरा भरेगा, तो बताइए 11 बजे से एक घंटा लगेगा, यानी एक और लगेगा, बताइए एक कमांड करना है 45 मिनट आया है, यानी 11 बजे में 45 मिनट और लगेगा तो टंकी का पूरा भर जाएगा, यानी कितना बज जाएगा 11:45 मिनट पर, यानी अभी एम में रहेगा, सुबह में 11 बजे चालू हुआ और 45 मिनट लग रहा है, यानी सुबह ही होगा 11:45 मिनट पर, यानी आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, करा दो पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं, देखिए ए जो है ये 24 मिनट में टंकी क्या करेगा भरेगा, और बी जो है वो 30 मिनट टंकी क्या होगा भरेगा, दोनों साथ में चालू कर दिए जाते हैं परंतु 8 मिनट के पश्चात पहले को बंद कर दिया जाता है, तो शेष हौज को भरने में बी द्वारा लिया गया समय कितना। देखिए अगर मान लीजिए ये एक टंकी होगा तो पहले ए और बी दोनों को चालू कर दिए, ए और बी को, और 8 मिनट तक चालू रखे 8 मिनट तक, तो मान लीजिए 8 मिनट में कितना भाग है, यहां से यहां तक टंकी भर गया होगा, यहां से यहां क्या होगा टंकी भर गया 8 मिनट में, आगे जो है वो कौन काम करेगा, तो ए को बंद कर दिया, यानी आगे कौन काम करेगा बी, और कितना देर में टंकी भर दिया होगा, तो मान लेते एक्स मिनट में, कितना एक्स मिनट में, लगाइए ए कितना देर काम किया है तो 8 मिनट, तो 8 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो पूरा काम को 24 मिनट में, तो 8 मिनट में कितना भाग 8/24 भाग, प्लस, और बी कितना देर काम किया है, तो यहां पर भी काम किया, यहां भी, यानी 8 और प्लस एक्स,
तो 8 प्लस एक्स मिनट में कितना भाग, तो बी पूरा काम को 30 मिनट में, तो 8 प्लस एक्स मिनट में कितना भाग, 8 प्लस एक्स बटा 30 भाग, और दोनों भाग जोड़ेंगे तो टोटल काम कितना होगा, तो ये कटेगा 28 24। अब 1/3 बराबर को उस साइड में जाएगा और एक में से घटेगा तो कितना जाएगा 2/3, यानी 8 प्लस एक्स बटा 30 बराबर आ जाएगा 2/3। ये कटेगा यहां से 10 × 20 में से 8 घटेगा, यानी एक्स बराबर कितना 12, यानी क्या होगा 12 मिनट में टंकी भरेगा बी, और शेष काम करना देंगे 12 मिनट तक काम करेगा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन, देखिए सातवां नंबर में है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए जो है ये कितना देर में भरेगा टंकी को, तो 6 मिनट में टंकी को भरेगा 6 मिनट में, और बी जो है कितना देर में भरेगा, तो 7 मिनट में टंकी को भरेगा। कब, जब ए को टंकी तब, यानी एक काम होगा तो ए 6 मिनट में करेगा और बी 7 मिनट में करेगा, करा है दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, बताएं कि वह किस समय में टंकी भरेंगे। पहले ए पाइप को खोलते हैं, देखिए पहले कौन खुलेगा, ए, पहले ए काम करेगा, फिर अगला बार कौन काम करेगा, बी, एक घंटा के लिए ए, फिर अगला घंटा के लिए बी, फिर अगला घंटा के लिए ए, फिर अगला घंटा के लिए बी। देखिए इस तरह क्वेश्चन को, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन को टाइम इनवर्स में हम बताए थे, उसी तरह से दम बनेगा। पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, और दोनों का एलसीएम क्या दर्शाएगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क यहां से कितना हो जाएगा, तो 7 और 6 का LCM, ठीक है 7 और 6 का LCM कितना हो जाएगा 42, तो यही तो टोटल काम करना आया 42 काम आया। अब क्या करते हैं, एलसीएम में मिनट से भागा, यानी समय से भागा कर लेते हैं, तो 1 मिनट का काम निकलेगा, यानी 1 मिनट में कितना काम, 1 मिनट में कितना काम, तो 42 भागा 6 कीजिएगा, 42 भागा 6 यानी कितना काम, 7 काम, ये 7 काम करेगा, यानी ए एक काम को 6 मिनट में, तो 42 काम में से 1 मिनट में कितना काम, 7 काम करेगा, और बी 1 मिनट में कितना काम में से, 42 काम में से, तो 42 भागा 7 यानी कितना काम, 6 काम। अब यहां पर चलिए कम से कम कितना समय लिया जाएगा ताकि सभी मजदूर काम पर शामिल हो जाए, यानी दोनों नल को शामिल करना है, तो कम से कम 2, पहला घंटा और दूसरा घंटा, तो 2 मिनट, घंटा नहीं चला मिनट में चलना है, तो 2 मिनट में, तो 2 मिनट में ए कितना देर, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट में कई काम, 7 काम, और 2 मिनट में बी कितना देर, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट में कितना काम, 6 काम, तो 7 और 6 कितना 13 काम, तो दोनों मिलकर 2 मिनट में 13 काम कर लिया, और काम कितना करना 42, तो इसमें 42 ले जाने के लिए इसके नजदीक में कितना से गुना करना होगा, तो 3 से 33 39, देखिए 42 के नजदीक में आ गया, इधर भी 3 से गुना, देखिए 3 गुना 6, तो 6 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, ठीक है, और कितना काम हो गया 39 काम, तो 42 काम में से 39 काम हो गया, तो बचा कितना शेष काम, तो शेष काम बचा 3, तो बताए थे शेष काम ऊपर और जो काम करने आएगा उसके काम से भागा नीचे, भागा से करना है, बताइए तो अभी कौन आएगा, तो ए आएगा शुरू में, ए 1 मिनट में कितना काम, 7 काम, लेकिन बचा गया 3 काम, तो 3/7 कर लेंगे, शेष बटा में जो काम करेगा उसके काम से भागा, तो इतना मिनट और लगेगा, यानी टोटल जोड़िएगा तो कितना जाएगा 6 × 3/7 मिनट, यानी कितना जाएगा 6 × 3/7 मिनट, यही आपका आंसर आ गया, टंकी कितना देर में भर जाएगा 6 × 3/7 मिनट में, यानी ऑप्शन कौन जा रहा है, सी नंबर, ऑप्शन सी। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करा एक छिद्र टंकी को 12 घंटे में खाली करता है, देखिए समझिए क्वेश्चन, करा एक टंकी है, और ये टंकी जब पूरा भरा हो, ठीक है, टंकी जब पूरा भरा हो तो इसमें अगर एक छिद्र होता है तो ये छिद्र कितना देर में खाली कर देगा, तो 12 घंटा में खाली करेगा, तो खाली करेगा देगा और माइनस। अब कह रहा है एक नल जो 5 लीटर प्रति मिनट पानी गिराता है, यानी इस टंकी में एक नल जो है अगर 5 लीटर प्रति मिनट पानी इसमें गिराने लगे, तो कह रहा है उसी टंकी को खोल देने के कारण छिद्र को अब 15 घंटा लगेगा, अब कितना 15 घंटा लगेगा, ठीक है। देखिए अगर इसमें पानी नहीं गिरता है, सिर्फ टंकी भरा रहे, तो पहले 12 घंटा में खाली कर देगा, अगर अब इसमें एक नल भी चालू कर दिया जाए 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, तो अब इसी टंकी को खाली करने में यही छिद्र 15 घंटा लेगा, यानी 3 घंटा बढ़ गया, किसके कारण, एक नल खुलने के कारण। तो बताइए यह नल
इस डिस्टर्ब कर रहा है किसको, एक छिद्र को। पहले 12 घंटा में खाली करा था, अब 15 घंटा में खाली करा है, किसके कारण? तो ये नल के द्वारा का, नल के द्वारा ये किसके कारण? नल के द्वारा। तो ये नल के द्वारा पानी गिर रहा है, जिसके कारण क्या हो गया यहाँ पर? डिस्टर्ब हो गया। बताइए डिस्टर्ब कौन किया यहाँ पर? तो इस नल, तो इस नल को काम करने में लगा समय, तो लगा ये ए गुना बी बटा ए माइनस बी, यानी 12 गुना 15 अब बट्टा 12 में से 15 कट जाए तो ना 3, 3 चको 12, 15 चको 60, तो 60 ये क्या आएगा? घंटा। तो 60 घंटा ये क्या आया है? तो इसको काम करने में लगा समय आया है, तो क्या कर रहा है? पानी भर रहा है। 60 घंटा में टंकी भर देगा, तो 60 घंटा में टंकी भरेगा, ठीक है, और 1 मिनट में 5 लीटर पानी इसमें गिरेगा, तो 60 घंटा में कितना पानी इसमें गिरेगा? बताइए, तो 5 लीटर प्रति मिनट, इसको मिनट में चेंज कर दीजिए, 60 घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना, तो आ जाएगा यहां से कितना? 18,636 × 5 180 पर डबल जीरो, यानी 18,000 लीटर। ये 18,000 लीटर का आएगा, तो टंकी का क्षमता आएगा, टंकी का क्षमता कितना हो गया? 18,000 लीटर, यानी ऑप्शन कौन जाएगा? ए नंबर, ऑप्शन ए। फिर समझ लीजिए एक बार, अगर ये एक टंकी है, ठीक है, ये एक टंकी है, अगर इसमें एक छिद्र है तो 12 घंटा में खाली हो जाएगा, जब इसमें पानी गिरने लगा 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, तो अब 15 घंटा में खाली होगा, तो किसके कारण समय बढ़ रहा है? तो पानी गिर रहा है उसके कारण। तो यह पानी जो गिर रहा है नल के द्वारा, यह नल पूरा टंकी को कितना देर में खाली कर देगा? तो ए गुना बी बटा ए माइनस बी, यानी 60 घंटा में टंकी भर देगा। बताइए 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा, तो 60 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा? 18,000 लीटर पानी भरेगा, यानी ऑप्शन ए नंबर। थैंक यू, धन्यवाद।